कदम था अक्कन मक्कन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहां गया अक्कन मक्कन कदम था अक्कन मक्कन कदम था झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पलके तितली सी है बादल या बिजली सी अक्कन मक्कन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहां गया अक्कन मक्कन अक्कन मक्कन निकल यहां से और दोबारा यहाँ आना नहीं समझा तू अरे अरे मिसेस गुप्ता ये क्या कर रही है आप अरे चोरी से घर में घुसा है हमारे मिसेस गुप्ता को छोड़ो ये बताओ कि अंतरा का कुछ पता चला या नहीं कहते हैं घर पे जाके आराम से सो जाओ अगर कोई बच्ची मिलेगी तो हम आपको बुला लेंगे पतंग पतंग तेरे पास पैसे है से पतंग खरीदने के लिए पैसे मांगे सच सच बता क्यों क्या जरूरत है तुम्हें पैसों की बोलो बोलो क्यों मांगे तुमने पैसे बोलो क्या जरूरत है प्यारी अनुराधा आंटी मुझे अंतरा की बहुत याद आती है ये तुम आसमान में उड़ाने वाले थे अनुराधा आंटी के पास सॉरी बेटा I'm really sorry. ये लो एक मिनट
लीजिए, समधी जी आ गए। नमस्ते अंकल। अरे मैं तुम्हें समधी जी पुकार रहा हूं और तुम अभी भी अंकल कह रहे हो। भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का इतना इंतजार नहीं किया जितना तुमने आज करवाया। माफ कीजिएगा अंकल, वो दरअसल दरअसल डैड पिछले हफ्ते से बैंक में काम का लोड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। रात के इस वक्त? भैया काम करो, कोई मना नहीं कर रहा, पर सिर पर जो जिम्मेदारी ली है उसे तो समझो। अब शादी में भी ज्यादा दिन नहीं रह गए। सर प्लीज। भैया हमारी तो उम्र हो गई, पर पहली बार देखा हमने कि शहर में लड़के वाले आए हैं और लड़की वाले एक बार भी मिलने नहीं आए। अरे कम से कम एक फोन तो किया होता। नहीं नहीं अंकल, मैं आपसे मिलने के लिए आने वाला था, आगे की बातें करने के लिए, लेकिन वो पिछले हफ्ते काम कुछ ज्यादा था इसलिए नहीं आ पाया। काम तो हमने भी किया है समधी जी, पर अपने रीति रिवाजों को कभी नहीं भूला। मुझे तो अब डर लग रहा है कि कल तुम ये कहोगे कि बहुत काम ज्यादा है इसलिए मैं शादी में नहीं आ पाऊंगा। अरे अंकल कैसी बातें कर रहे हैं आप, एक ही तो बहन है मेरी और मेरे सिवा उसका है भी कौन इस दुनिया में। क्यों मैंने यहाँ पर? भाई मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है शादी की, आखिर हमारा भी तो इकलौता बेटा है। अब तुम अगर हमारे साथ बैठो तो शादी का प्रोग्राम फिक्स कर ले। बस 2 मिनट, मैं जरा फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ जब 2 घंटे इंतजार किया तो 2 मिनट और सही। से अगर किसी की पहचान नहीं हो सकी या फिर ये लोग अपना पता नहीं बता पाए तो फिर आप क्या करते? करेंगे क्या, शेल्टर हाउस भेज देते हैं। शेल्टर हाउस अनाथ आश्रम जैसा ही होता है, सड़क पे होने से अच्छा है अनाथ आश्रम में रहें। राधा और तुम्हारी बेटी है आदित्य।
आदित्य। I'm really sorry। मैंने मोमलेट को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने यार। जन्माष्टमी से मेरे पीछे पड़े हुए कि किसी तरह आदित्य के पास जाना है, उनसे बात करनी है, शादी की तैयारियों की बात करनी है। I'm sorry, मैं उन्हें टाल नहीं सका यार। I'm really sorry आदित्य। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे क्या उम्मीद रही है। एक तरफ अंतरा मिसिंग है, ऊपर से शादी की तैयारियाँ, ऊपर से मेरे मॉम डैड सर पे बैठे हुए। मैंने अंतरा को हमेशा के लिए खो दिया समीर। कम ऑन आदित्य, ऐसा मत बोल यार। कभी वापस नहीं आएगी। कम ऑन यार, ऐसा मत बोल प्लीज। पुलिस ने क्या कहा? कुछ बच्चे लाए गए थे लेकिन उसमें अंतरा नहीं थी। आज रात को भी कुछ बच्चे लाने वाले लेकिन मुझे लगता है उसमें भी अंतरा नहीं होगी। शुभ शुभ बोल आदित्य, अंतरा जरूर होगी उन बच्चों में, मैं कह रहा हूं तुझसे। मैंने क्यों बैच नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया? उसकी थेरेपिस्ट ने मुझे बोला भी था लेकिन मैंने नहीं बनाया। उल्टा जवाब दिया कि मैं और विद्या अंतरा को कभी अकेला नहीं छोड़ते। शायद मैंने विद्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर ली। समधी जी कहां रह गए? आज सिर्फ इंतजार ही करवाएंगे क्या? डैड एक मिनट में आ रहे हैं हम बस। चल आदित्य। सॉरी। हाँ जी अंकल, बताइए कैसे शुरुआत करनी है, क्या करना है? भाई अगर हम अपने शहर में होते तो बात कुछ और थी। ये तो आपका शहर है, आप ही बताइए। अब देखिए अंकल, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ खुशी खुशी हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। सॉरी मुझे ये फोन लेना पड़ेगा। हेलो। हाँ इंस्पेक्टर साहब बोलिए। आपकी बेटी मिल गई, आप जल्दी से पुलिस थाने आ जाइए। क्या? हाँ मैं बस अभी आता हूँ। थैंक यू वेरी मच। यार समीर अंतरा मिल गए। मैंने सब सुन लिया, चला ऐसे लेकर आते हैं फटाफट। समीर। हाँ बोल। अंकल आंटी। अरे यार उनको मैं संभालूंगा, चिंता मत कर। चल जल्दी चल 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 चल। डैड बैंक से फोन आया था, हम लोगों को अर्जेंटली इस समय बैंक जाना पड़ेगा। इस वक्त? जी डैड। आप एक काम कीजिए, आप अपनी गाड़ी में घर चले जाइए, मैं आने के बाद आपको सब बताता हूँ। चलो बाय बाय। आइए, वो रही आपकी बच्ची। क्या वड़ा पाव खा लो बेटा। खा ले बेटा। वो ये नहीं खाएगी, मैं जानता हूं वो क्या खाएगी। अरे हवालदार साहब, वो ऐसे नहीं खाएगी।
अजीब वो नहीं है। कपड़े तो वही है जो आपने बताए थे। अरे हवलदार साहब, लेकिन बच्ची तो वो नहीं है ना। लेकिन ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से हैं? ये मेले नहीं है, ये किसी और के हैं। किसके? अब नाम तो नहीं पता। उसके कपड़े गीले हो गए थे, उसने उतार दिए, मुझे अच्छे लगे तो मैंने पहन लिए। कैसी लग रही हूँ? वो कैसी दिखती थी? वो एकदम हीरोइन दिखती है, लंबे बाल हैं। अब तुम जानती हो वो कहाँ है? हाँ? लो, मैं नहीं जानूंगी, मैं ही तो उसे घर पे बिठा के आई हूँ। थानेदार बाबू आए और मुझे पकड़ के ले आए और कहने लगे, चल तेरे बाप के पास। मैंने कहा, मेरे तो चाचा है, मैंने बाप को देखा ही नहीं। पर ये माने नहीं, मुझे उठा के ले आए। तुम हमें उसके पास ले जा सकती हो? हाँ? इन थानेदार बाबू से पूछो कि मुझे जाने दे, तो फिर मैं आपको अपना घर बताऊं। चल दिखा दे इनको तेरा घर, बहुत बोलती है। अब मैंने क्या किया? जो आपने मेरे से पूछा उसका मैंने जवाब दिया। चलिए इंस्पेक्टर साहब से मिलते हैं। चलिए। दुकान है, आपके पास रुमाल है? हाँ, क्यों? निकाल लीजिए, अब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। कौन सा खोल लिया बता? हाँ? बताओ बेटा, कहाँ पे? इधर बेटा, इधर जाए, ये ला, चलो। वो नहीं, फूल की दुकान, वही है आपकी बेटी।